Hello everyone, in this class we will learn LibreOffice Impress placeholder. Okay, आप देख सकते हो यहाँ पे राइट किया गया है कि LibreOffice Impress के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, प्लेस होल्डर के बारे में पढ़ना है. सो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. ओके, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे LibreOffice Impress को चालू कर रखा है. देख लीजिए अपना ध्यान से, यहाँ पे पिछली क्लास में मैंने आपको स्लाइड पिन के बारे में पढ़ाया था. तो स्लाइड पेन आपका ये डब्बा है, जो आपका डब्बा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से स्लाइड पेन को आप हाइड कर दोगे क्लिक करके, और देन यहाँ से क्लिक करके उसे शो भी कर सकते हो. स्लाइड पेन को आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो, और यहाँ पे व्यू से जाके उसे स्लाइड पेन को ऑन भी कर सकते हो. तो आज की इस क्लास में हम आपको प्लेस होल्डर के बारे में पढ़ाने वाले हैं. ओके, थोड़ा आप ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स इस तरह का बट लाइन यहाँ पे बना हुआ है, और रेक्टेंगल एक तैयार है. ओके, इसी तरीके से नीचे भी एक छोटे छोटे डॉट से बना हुआ एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, जिसमें लिखा गया है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, और ऊपर वाले में क्लिक टू ऐड टाइटल. ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, जो चीज़ आपने यहाँ पे देखा है क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा गया है, यह एक बॉक्स है. देखो मैं क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स मुझे सेलेक्ट हो जा रहा है. सेलेक्ट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स को मैं कहीं भी उठा के ऐसे क्या कर सकता हूँ, रख सकता हूँ. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे उठा के सेट कर दिया. ठीक है, तो ये मेरा क्या बोला जाएगा, प्लेस होल्डर. यही प्लेस होल्डर है, ये टॉप का प्लेस होल्डर है, और इसके नीचे एक बड़ा सा जो प्लेस होल्डर है बॉटम का प्लेस होल्डर है. ठीक है, तो ये टॉप में प्लेस होल्डर है, और इसके नीचे यहाँ पे बॉटम में प्लेस होल्डर आपका है. तो इसी को प्लेस होल्डर कहते हैं. प्लेस होल्डर की विशेषता ये है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा गया है, तो अगर क्लिक कर देंगे और जो कुछ लिखेंगे वो चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट किया जाएगा. जैसे कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे एजुकेशन राइट कर दिया. ओके, देखो तो यहाँ पे इस प्लेस होल्डर ने क्या किया, इस टेक्स्ट को अपने पास रख लिया. तो इसी को प्लेस होल्डर कहते हैं. प्लेस होल्डर की साइज को आप यहाँ से इनक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो. जैसे ऐसे क्लिक करोगे तो इसको देखो प्लेस होल्डर की साइज को आपने क्या किया, छोटा कर दिया आपने यहाँ पे. ठीक है, अगर और बड़ा करना है तो फिर से इसे आपको ऐसे भी कोने से खींच देना है, तो आपका प्लेस होल्डर क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा आपको नज़र आ जाएगा. ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर है. इस प्लेस होल्डर को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, इसे रोटेट भी कर सकते हो. ठीक है, रोटेट का मतलब हो गया यहाँ से आप इसे दबा के, कोई देखिए रोटेशन वाला ऑप्शन दे रखा है यहाँ, तो रोटेट आप यहाँ पे कर सकते हो. दूसरी बात, आप जो ये राइट कर रहे हो, इस प्लेस होल्डर को राइट क्लिक करके आप कट भी कर दोगे, तो कट भी कर सकते हो. मतलब प्लेस होल्डर की साइज को बढ़ा सकते हो, प्लेस होल्डर को कट कर सकते हो, प्लेस होल्डर का किसी कोने से इनकी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. इसके नीचे आप जाओगे तो लिखा गया है क्लिक टू ऐड टाइटल, ये बड़ा बॉक्स है, लेकिन ये भी आपका प्लेस होल्डर ही है, क्योंकि ये क्या करता है, किसी न किसी टेक्स्ट को अपने पास ऐड करके रखता है. ये जो बड़ा वाला आपको जो बॉक्स दिख रहा है, ये भी प्लेस होल्डर का ही रूप है. तो इसमें दो प्लेस होल्डर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, और नीचे वाला ये बड़ा प्लेस होल्डर है. सपोज दैट की एक नई फाइल आप यहाँ पे लेते हो, आप यहाँ पे इंप्रेस के भीतर इस पर क्लिक करोगे तो एक और नई लेयर यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी. देखो तो, और इसमें प्लेस होल्डर अलग टाइप का आया है यहाँ पे. ठीक है, तो ये सब प्लेस होल्डर हैं. इनकी प्लेस होल्डरों की साइज को आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो, इसे कट करके निकाल भी सकते हो. तो मतलब ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हो, प्लेस होल्डर के साथ यहाँ पे कर सकते हो. सो आई होप आप लोगों को प्लेस होल्डर समझ में आएगा होगा कि प्लेस होल्डर किसे कहते हैं. ठीक है, प्लेस होल्डर एक स्थान है आपका, जो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. ओके, तो प्लेस होल्डर कोई भी बॉक्स सही है, जो क्या काम करता है, किसी भी टेक्स्ट को अपने पास होल्ड करके रखता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि एक ऐसा जगह यहाँ पर कोई भी चीज़ों को रखा जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम. ठीक है, तो वेलकम को क्या किया इसने, प्लेस होल्डर ने अपने पास यहाँ पे रखा. ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर, तो देखो तो क्या हुआ, इस बड़े वाले बॉक्स में सर लिखा गया है, इसने भी इसको रखा है, और ए भी इसको क्या कर लिया है, अपने पास रख लिया है. सो क्या समझा आपने, आपकी स्लाइड पे दो प्लेस होल्डर हैं, एक बड़ा वाला एक इससे छोटा वाला. कोई ज़रूरी नहीं है कि दो प्लेस होल्डर हों. ठीक है, ज़रूरत होने पर एक से अधिक फोल्डर यहाँ पे इंसर्ट किए जा सकते हैं, या उस तरह की फॉर्मेट को यहाँ पे ली जा सकती है. सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे प्लेस होल्डर समझ में आ चुका होगा.
वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।